हेलो स्टूडेंट्स, सिप सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स एमपी बोर्ड की इंग्लिश का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द ट्री। देख सकते हैं आपको इस पिक्चर में द ट्री, अर्थात ट्री जो टॉपिक ही है, अर्थात जो टाइटल ही है लेसन का, एक पेड़ दिख रहा है और कुछ बच्चे पेड़ों के नीचे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, आर एल स्टीवेंसन के द्वारा लिखित ये कुछ पंक्तियाँ हैं और फिर आगे पूरा पेड़ का सार दिया गया है। तो देख रहे हैं लेसन किस तरीके से है। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन। अंडर इट आई ऑफन शेड व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। आर एल स्टीवेंसन। अब देखिए, आर एल स्टीवेंसन ने कहा है आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। आई मतलब मैं, हैव मतलब मेरे पास, ट्री मतलब पेड़। मेरे पास एक पेड़ है, अ ग्रीन ग्रीन ट्री। अ ग्रीन ग्रीन ट्री, पेड़ कैसा है? हरा भरा। टू शेड मी फ्रॉम द सन, ये जो पेड़ है वो मुझे सूरज से छाया देता है। अर्थात जब बहुत अधिक धूप होती है तो इस पेड़ के नीचे मैं बैठता हूँ और मुझे बहुत ही शेड मिलता है। अंडर इट आई ऑफन शेड, अंडर मतलब इसके नीचे, ऑफन इसको ऑफ्टन लिखा है लेकिन इसको पढ़ते ऑफन है क्योंकि इसमें टी साइलेंट रहता है। इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है तब मैं इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ। चलो एक बार फिर से देख लें। मेरे पास एक पेड़ है, एक हरा भरा पेड़ है जो मुझे सूरज की तपती धूप में छाया देता है। जब मैं अपने काम से फ्री हो जाता हूँ तब मैं अक्सर इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ। द बिग बनियन ट्री इन अवर विलेज इज 50 ईयर्स ओल्ड, सेज ग्रैंडमा। तो देखिए, जो जो भी राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मेरी माँ मुझसे, मेरी दादी माँ मुझसे अक्सर कहती है कि हमारे गांव में जो बड़ा बनियान का ट्री है, बरगद का पेड़ है, वो 50 साल पुराना हो गया है। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन, और चाहे सूरज की तपती धूप हो और चाहे भी बारिश हो, ये पेड़ ऐसे ही खड़ा रहता है। तो जो लेखक की दादी माँ है उनने पेड़ के बारे में पूरी जानकारी दी है कि ये जो बरगद का पेड़ है वो 50 साल पुराना हो गया है। चाहे सुबह हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, ये पेड़ इसी तरीके से खड़ा रहता है। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल शीट बरीड डीप इन द शोल। अब दादी माँ ने ये भी बताया कि ये जो पेड़ है वो कैसे बना। जब लिटिल सीड, जब जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो ज़मीन में, बरीड मतलब दब जाना, डीप मतलब गहराई में, इन द शोल, सोल मतलब मिट्टी में, तो जब मिट्टी में कुछ बीज बहुत गहराई तक दब जाते हैं, द ट्री ग्रो, तो इससे इस पेड़ का ग्रो हुआ है, ग्रोथ हुई है। अर्थात कुछ छोटे छोटे बीजों के ज़मीन में बहुत गहराई में दब जाने के कारण उससे वो पेड़ बना है। व्हेन द रेन फॉल द सीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप, और जब बारिश होती है तो ये जो बीज होते हैं ये अपनी नींद से जागते हैं। अर्थात कहने का आशय ये है, छोटे छोटे बीजों को जब बारिश का पानी मिलता है तब ये छोटा सा पौधा बनते हैं। द डे एंड द सन सोन, और उसके बाद उन्हें सूरज की रोशनी मिलती है। इट ओपेंड इट्स आइज, तब वो अपनी आँखें खोलते हैं। बाइट एंड शा द वर्ल्ड अराउंड, और फिर वो इस दुनिया को चारों तरफ से, अर्थात चारों ओर की दुनिया को देख पाते हैं। अ प्लांट वाज बॉर्न, इस तरीके से एक पौधे का उदय होता है। तो कुल मिला के जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जब छोटे छोटे बीज ज़मीन में गहराई तक दब जाते हैं, फिर बारिश होती है और सूर्य की रोशनी जब मिलती है, तो इन्हीं सभी मिले जुले कारकों से जो पौधे हैं वो अपनी आँखें खोलते हैं, बीज अपनी आँखें खोलते हैं और वो एक पौधे के रूप में उगते हैं। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इंटू अ बिग ट्री, इस तरीके से पहले एक छोटा पौधा उगता है उसके बाद बड़ा पेड़ बनता है। इट स्प्रेड इट्स ब्रांचेज फ्लावर्ड एवरी ईयर एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, ये अपनी शाखाएं, ब्रांचेज मतलब शाखाएं, फ्लावर्ड मतलब फ्लावर, एवरी ईयर प्रत्येक साल ये अपनी ब्रांचें मतलब शाखाएं इधर उधर फैलाता है और फूल देता है। एंड बोर फ्रूट्स लाइक बेरी, और इसके जो फल निकलते हैं उनसे बेरी बनती है।
इट ग्रू बिगर एंड बिगर एंड स्प्रेड इट्स ब्रांचेज वाइडर एंड वाइडर। ये बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है, और इसकी जो ब्रांचें हैं वो और अधिक बड़ी होती जाती हैं, चौड़ी होती जाती हैं और फैलती जाती हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको एक पौधा दिख रहा है, जैसे कि ये पौधा है। इस पौधे में आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक पौधा है, ये छोटा सा पौधा है जो एक बीज से बना हुआ है, और धीरे धीरे जब ये पौधा विकसित होता है तब वो पेड़ बन जाता है। देखिए इस चित्र में आपको एक बड़ा पेड़ दिख रहा है, तो ये पेड़ बचपन से ऐसा नहीं है, पहले ये पौधा बना था उसके बाद ये पेड़ में बदला है। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, जितने भी गांव के बच्चे होते हैं वो इस पेड़ के आसपास खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज, बच्चे इनकी शाखाओं पर झूला झूलते हैं। एंड हैव फन, और बच्चे मज़े करते हैं। आपको पता ही होगा बच्चों की आदत होती है कि वो पेड़ों की डालों पर झूलेंगे और मज़े करेंगे। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड, और कभी कभी जब वो बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं तब वो इस पेड़ की छाया में सोते भी हैं। इन द आफ्टरनूनस पासर्स बाई शिट अंडर द ट्री, और दोपहर के समय में जब यात्री यहाँ से गुजरते हैं तो वो भी पेड़ के नीचे बैठते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन, वे लोग कुछ टाइम तक रेस्ट करते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जब कुछ लोग कहीं से आते हैं, साइकिल से होते हैं या किसी भी गाड़ी से होते हैं, तो फिर वो लोग पेड़ किसी भी अच्छे से पेड़ को देख के उसकी छाया में बैठते हैं, थोड़ी सा रेस्ट करते हैं और निकल लेते हैं। इसी तरीके से आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि कुछ पासर भाई वहाँ बैठे हैं जो गुजर रहे होते हैं, तो कुछ देर वो वहाँ पर आराम करते हैं, फिर वहाँ से वो अपने स्थान पर निकल जाते हैं। The tree is home for many birds, ये जो पेड़ पौधे हैं ये कई चिड़ियों के लिए घर का काम करते हैं, अर्थात बहुत सारे पक्षियों का घर होते हैं। स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सभी के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। स्पैरोज, पैरेट्स, पिगॉन्स, क्रोज, स्क्वेरल्स एंड आंट्स, जैसे कि स्पैरो, पैरेट मतलब तोता, पिगन्स मतलब कबूतर, क्राउज मतलब कौआ, स्क्वेरल मतलब गिलहरी, एंड आंट्स मतलब चींटी, इन सभी लोगों के लिए ये आश्रय देते हैं। दे ऑल लिव टुगेदर द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, वे सभी जो ये कीड़े मकोड़े हैं ये सभी एक साथ रहते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो हमको शुद्ध हवा भी प्रदान करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये जो बरगद का पेड़ है ये सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए इस पेड़ को बहुत अधिक पूजनीय माना गया है, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बहुत अधिक लाभदायक है क्योंकि हमें ये शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। और अगर पूजा पाठ की दृष्टि से देखा जाए तो बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा वट वृक्ष की पूजा, वट सावित्री व्रत, इस व्रत में इस वृक्ष की पूजा की जाती है, और भी ऐसे कई सारे त्यौहार होते हैं जिनमें बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है इसमें ब्रह्मा जी का निवास होता है। सी हाउ यूजफुल अवर ट्री इज, शे ग्रांड माँ, तो दादी माँ ने कहा कि देखो बच्चों, तुम देखते हो ना कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए कितने अधिक लाभदायक हैं। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट, इसीलिए हमें उनसे प्यार करना चाहिए और पेड़ पौधों की केयर करनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसकी शाखाओं में बच्चे झूले झूल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, अर्थात वो पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति करते हैं पेड़ के नीचे। लेसन वन की एक्सरसाइज देखते हैं। वर्ड पावर, मेक न्यू वर्ड्स बाई ज्वाइनिंग वर्ड्स, शब्दों को जोड़कर कुछ नए शब्द बनाने हैं। जैसे हैंड में बैग जोड़ दिया जाएगा तो हैंड बैग, हैंड में मेड जोड़ दिया जाएगा तो हैंड मेड, हैंड में राइटिंग जोड़ दिया जाए तो हैंड राइटिंग। इसी तरीके से दूसरा शब्द है बाथ टब, अर्थात जिस टब में नहाया जाए उसे बाथ टब कहते हैं। सोप में बाथ जोड़ने से बाथ सोप बनेगा, अर्थात जिस साबुन से नहाया जाए उसे बाथ सोप कहते हैं। बाथरूम, जिस रूम में नहाया जाए उसे बाथरूम कहते हैं। अगला शब्द है हमारे पास रेन, रेन में वो जोड़ने से बन जाएगा रेनबो, अर्थात इंद्रधनुष।
रेन में कोट जोड़ने से रेन कोट, जो बारिश में पहना जाता है, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी। अगला शब्द है फिंगर। फिंगर में तीन शब्द जोड़ना है, टिप चिप्स और प्रिंट, फिंगर टिप फिंगर चिप्स फिंगर प्रिंट, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों में से हिडन वर्ड्स छांटना है। जैसे पहला वो एग्जाम्पल बताया गया है, श्विंग में दो अर्थ दो शब्द अलग अलग निकल रहे हैं, पहला बिंग दूसरा इन। इसी तरीके से अब हम देखते हैं बाकी के चार शब्द, जैसे फ्लावर सर्च स्पैरो और बनियान में कौन कौन से अलग अलग शब्द निकल पाएंगे। तो पहला पहला शब्द है फ्लावर। फ्लावर में पहला अक्षर निकलेगा फ्लो FLOW और दूसरा निकलेगा LOW लो। इसी तरीके से सर्च में पहला निकलेगा SEARCH और दूसरा निकलेगा EARER। इसी तरीके से स्पैरो में पहला अक्षर निकलेगा एरो ARROW और दूसरा निकलेगा रो ARROW। बनियान में पहला निकलेगा BAN बैन और दूसरा निकलेगा एनी ANY। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, चूज़ फ्रॉम द गिविन वर्ड्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, जो ऊपर शब्द दिए गए हैं इनकी सहायता से हमको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। द मैंगो ट्री इन माई खाली स्थान इज खाली स्थान ईयर्स ओल्ड। अब देखिए हमने लेसन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, द मैंगो ट्री इन माई विलेज, तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा विलेज। कितने साल पुराना है बच्चों, 40 ईयर्स ओल्ड, तो इसमें आ जाएगा 40। दूसरा खाली स्थान है इट गिव्स अस खाली स्थान, तो ये हमको क्या देता है, मैंगोज, दे आर खाली स्थान। मैंगोज कैसे हैं, स्वीट, तो पहले दूसरे के पहले में मैंगोज आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा स्वीट। तीसरा खाली तीसरा है वाक्य माई मदर मेक्स खाली स्थान एंड खाली स्थान विद देम, तो मेरी माँ मैंगो के वृक्ष से क्या क्या बनाती है, तो पहला तो जूस आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा पिकल्स मतलब अचार, आई लाइक द मैंगो और इसके बाद ट्री। इस तरीके से हमारे खाली स्थानों की पूर्ति हो गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंप्रेंशन क्वेश्चंस। इसका पहला है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है व्हाट इज़ द लेसन अबाउट, क्वेश्चन में पूछा गया है लेसन किस बारे में है, तो हमको पता है कि ये जो लेसन है वो एक बनियान ट्री के बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा द लेसन इज़ अबाउट बनियान ट्री। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू द विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड, तो हमने लेसन में पढ़ा था कि जब गांव के बच्चे थक जाते हैं तो वे क्या करते हैं, जब गांव के बच्चे थक जाते हैं तो वे पेड़ की छाया में ही अपनी थकान को दूर करते हैं अर्थात रेस्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू द पासर्स वाई शिट अंडर द ट्री, जो यात्री निकलते हैं रास्ते से वो पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं और उन्हें थोड़ी रेस्ट करने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं। चौथा क्वेश्चन है हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, रात में पेड़ों में कौन कौन रेस्ट करता है, तो लेसन में आया था जितनी भी स्पैरो हैं जितनी भी पिगॉन्स हैं जितने भी इंसेक्ट हैं जितने भी एनिमल्स हैं क्रो हैं ये सभी पेड़ के नीचे आराम करते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, हम पेड़ पौधों से शुद्ध हवा कहाँ प्राप्त करते हैं, जब हम पेड़ पौधों के नीचे होते हैं तो हमें बहुत ही शुद्ध हवा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्री, हमें पेड़ पौधों के लिए क्या करना चाहिए, तो लेसन के बिल्कुल अंत में लिखा है वी शुड लव एंड केयर फॉर द ट्री, हमें पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मैच दी कॉलम ए विथ कॉलम बी, ए को बी से मिलान करना है। पहला है ए सेक्शन, दूसरा है बी सेक्शन। पहला क्वेश्चन है द स्टोरी इज़ अबाउट, अब देखिए यहाँ पर पांच ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमको पता है कि ये जो कहानी है वो किसके बारे में है, आ 50 ईयर ओल्ड बनियान ट्री, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है द चिल्ड्रन, तो इसमें क्या आ जाएगा शिट, इसमें आ जाएगा श्विंग ऑन इट्स ब्रांचेज, लास्ट वाला आ जाएगा। तीसरा है द प्यूपिल, इसमें आ जाएगा दूसरा वाला शिट अंडर इट टू टेक रेस्ट। चौथा है द रेन फॉल, इसमें आ जाएगा एंड द शीड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप द वर्ड्स टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट, इस तरीके से। ग्रामर इन यूज, अब देखिए इसमें ग्रामर का अपन को उपयोग करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स, जैसे बिग, बिग में
डबल जी करके ई आर लगा दिया गया और डबल जी करके ई एस टी, इस तरीके से बिग से बिगर बन गया और बिगेस्ट। ये आपकी डिग्री है जो आपको नीचे और अन्य वीडियोस में मिल जाएगी। डिग्री के बारे में पूरी इस पूरी पूरा एक रहेगा अलग से। तो अभी अपन इसको देखते हैं, वाइड से बनेगा वाइडर वाइडेस्ट, टॉल से टॉलर टॉलेस्ट, डीप से डीपर डीपेस्ट, स्वीट से स्वीटर स्वीटेस्ट, स्लो से स्लोअर स्लोएस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूज़ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। इन शब्दों का उपयोग करके कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। यस आई डू, नो आई डोंट। यस आई डू का मतलब है हाँ मैं करता हूँ, नो आई डोंट का मतलब है मैं नहीं करता। मोनू, डू यू लाइक ट्रीज। शालू, यस आई डू। शालू, डू यू लाइक बनाना। मोना, नो। तो इसके आगे हो जाएगा नो आई डोंट। मोना, डू यू लाइक मैंगोज। सालू कहेगी, अब देखो इसमें या तो हाँ आ सकता है या ना आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है मैंगो। मोहन, आई लाइक फुटबॉल, डू यू। मोहन ने कहा मुझे फुटबॉल पसंद है, क्या तुम करते हो। तो श्याम कह रहा है नो आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है। ग्रैंडपा, आई लाइक वॉकिंग, डू यू। ग्रैंडसन, ग्रैंडपा ने कहा कि मुझे घूमना पसंद है, क्या तुम घूमोगे। ग्रैंडसन, नो आई डोंट। हरी राम, आई लाइक रीडिंग, डू यू। वाली राम, नो आई डोंट, आई लाइक वॉचिंग टी वी। नहीं मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, मुझे टी वी देखना पसंद है। लेट्स टॉक, वॉक इन ग्रुप्स, डिस्कस एंड फाइंड आउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्रीज। आप ग्रुप में डिवाइड हो जाइए और डिफरेंट यूज़ ट्री के कौन कौन से इस्तेमाल हैं उनको डिस्कस करिए। ईच ग्रुप विल लिस्ट द डिफरेंट यूजेज, और प्रत्येक ग्रुप से कहिए कि वो अपनी अलग अलग लिस्ट बनाए ट्री के उपयोग का। देन एक्सचेंज द लिस्ट एमंग देम सेल्फ, फिर आपस में उस लिस्ट को एक्सचेंज कर लीजिए। मेक आ फाइनल लिस्ट इन द क्लास, फिर क्लास में एक फाइनल लिस्ट बनाइए जिसमें आप बताइए कि ट्री के कौन कौन से उपयोग हैं। हिंट्स, रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वुडन टेबल, पेंसिल्स, पेपर, मेडिसिंस। इसमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं, जैसे ट्री से हमको रेनफॉल मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले तो अभी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वुडन टेबल, जितनी भी लकड़ी की टेबल है वो हमें उसी से मिलती हैं। पेंसिल, पेपर, मेडिसिन, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सभी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। लेट्स आर राइट, राइट ए पैराग्राफ ऑन द यूजेज ऑफ ट्री, पेड़ों के क्या उपयोग हैं इस पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये भी बच्चे लिख लेंगे। लेट्स डू इट, कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक्स। बहुत सारे पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा करिए और फिर उसे अपनी नोटबुक पर पेस्ट करिए। इस तरीके से लेसन कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।